नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इंदौर में वोटिंग मशीनों पर 24 घंटे कांग्रेस की पहरेदारी। विजय वर्गीय की सीट के लिए तैनात शुक्ला समर्थकों का सोना खाना सब वहीं। इंदौर में 17 नवंबर को वोटिंग के बाद से सभी 9 सीटों की वोटिंग मशीनें नेहरू स्टेडियम के स्ट्रांग रूम में हैं। यहां 3 लेयर सिक्योरिटी है, किसी को बिना परमिशन आने जाने की इजाजत नहीं। लेकिन कांग्रेस को इस पर भरोसा नहीं। कांटे की टक्कर वाली सीट इंदौर 1 कैलाश विजयवर्गीय की सीट है और इंदौर 3 के कांग्रेस प्रत्याशियों ने 24 घंटे अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा रखी है। मंत्री सिलावट की सीट पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस प्रत्याशी और कुछ निर्दलियों ने भी कार्यकर्ता तैनात किए हैं। भोपाल की इस महिला को सलाम, ब्रेन डेड पति के अंगदान कर बचाए 3 जिंदगी, फूलों से सजा अस्पताल, पुलिस बैंड ने दी सलामी। दुर्घटना में घायल हुए पति के ठीक होने की आस में अस्पताल के कॉरिडोर में बैठी सुषमा अवस्थी हर पल यही प्रार्थना कर रही थी कि उनके पति किसी तरह भी ठीक हो जाए, लेकिन पति राजेश की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया। प्रेम प्रसंग में प्रेमी के साथ मिलकर दी पति की सुपारी, भांजे और उसके साथी ने पटका था सिर पर पत्थर, पत्नी से 4 गिरफ्तार। जबलपुर में शुक्रवार की दोपहर हुए आदिवासी युवक की हत्या का खुलासा बरगी पुलिस ने कर दिया है, जहां अवैध संबंध के चलते प्रेमिका के पति की हत्या कर दी थी। आरोपी ने अपने भांजे और उसके साथी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था, जबकि इस प्लान में मृतक की पत्नी भी शामिल थी। जहां प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी और उसके प्रेमी ने एक साथ मिलकर अपने पति की हत्या कराने की सुपारी दी थी। 142 करोड़ वसूले, घर घर दस्तक दे रहा नगर निगम। 73,000 से अधिक करदाताओं ने नहीं चुकाया टैक्स, 8,500 को थमाया बिल। चुनाव खत्म होने के साथ ही अब नगर निगम का फोकस टैक्स वसूलने में चला गया है। करीब 142 करोड़ वसूलने नगर निगम घर घर दस्तक दे रहा है। गौरतलब है कि करीब 73,000 से अधिक करदाताओं ने अभी तक टैक्स नहीं चुकाया है। निगम घर घर जाकर टैक्स वसूल कर रहा है और करदाताओं को अल्टीमेटम भी दे रहा है। सिद्धवट पर लगा चतुर्दशी मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान सिद्धनाथ को दूध अर्पित किया। बैकुंठ चतुर्दशी पर रविवार को मोक्षदायिनी शिप्रा के सिद्धवट घाट पर आस्था का सैलाब उमड़ा। देश भर से आने वाले श्रद्धालु शिप्रा में डुबकी लगाकर अपने पितरों के निमित्त तपन पिंडदान करने के बाद भगवान सिद्धवट को दूध अर्पित किया। सुबह 6 बजे से ही दूध अर्पित करने वाले श्रद्धालुओं की लाइन लग चुकी थी। मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग में जाम की स्थिति बनी थी। डीजे वाले का है मेहर, मिला नगर कंकाल। चप्पल और अंडरवियर से हुई मृतक की पहचान, 2 दिन पहले लावारिस मिली थी बाइक। मेहर की कुंचन तलिया के पास मिले पुराने नर कंकाल की पहचान कर ली गई है। मृतक की बाइक भी 2 दिन पहले लावारिस हालत में मिली थी। अब एक एक तार जोड़कर पुलिस के सामने इस अंधी हत्या की गुत्थी सुलझाने की बड़ी चुनौती है। 34 NRC सेंटर पहुंचे कलेक्टर, बच्चे को गोद में उठाकर मां से पूछा स्वास्थ्य में कितना फायदा है। ग्वालियर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने 34 अस्पताल में संचालित NRC केंद्र को देखा और केंद्र में भर्ती बच्चों के परिजन से चर्चा कर उनके स्वास्थ्य से जुड़ी बातों को जाना है। कलेक्टर ग्वालियर ने केंद्र की व्यवस्थाओं के संबंध में भी जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बच्चे को गोद में उठाकर उनके हाल चाल भी जाना, उनके परिजन से डिटेल में बात की, यहाँ मिलने वाली सुविधाओं पर भी खुलकर बात की। राजस्थान के 7 मंत्रियों के इलाकों में वोटिंग बढ़ी, गहलोत और 18 मंत्रियों की सीटों पर मतदान कम। वोटिंग पैटर्न से आला मिर्ग संकेत, विधानसभा चुनावों में इस बार 74.96% के आसपास वोटिंग हुई है, जो पिछली बार के 74.6% के आंकड़े से 1% बढ़ गई है। जोधपुर में 3 घंटे हंगामे के बाद फिर वोटिंग शुरू। 6 बजे के बाद मतदान होने पर उग्र हुए भाजपा कार्यकर्ता, धरना प्रदर्शन किया। जोधपुर सुरसागर विधानसभा क्षेत्र नगर निगम उत्तर के वार्ड 21 में नगर निगम उप कार्यालय के बाहर चुनाव बूथ पर शाम 6 बजे बाद भी वोटिंग जारी रही, तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर
वोटिंग रुकवा दी। आरोप लगाए कि कुछ वोटर्स को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों के खिलाफ वोटिंग कराई जा रही है। ऐसे में 3 घंटे जमकर हंगामा हुआ और वोटिंग रुकी रही। प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और रात 9:28 पर भारी पुलिस सुरक्षा में फिर से वोटिंग शुरू हुई। जैसलमेर की 2 विधानसभा सीटों पर 82.36% मतदान, जैसलमेर में 77.56% मतदान, पोकर में सबसे ज्यादा 87.79% वोटिंग। विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग प्रक्रिया शाम 6 बजे खत्म हो गई। जैसलमेर की 2 विधानसभा सीट पर 82.36% मतदान हुआ। दोनों विधानसभा सीटों पर 15 उम्मीदवार आमने सामने हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज।